शांति आज 23 फरवरी 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी ओम शांति दीदी ओम शांति बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम प्यार से कहते हो मीठे बाबा तो मुख में रस आ जाता है ईश्वर व प्रभु कहने से वो रस नहीं आता देखिए बाबा ने आकर के जो जादू का काम किया जिससे हम बाबा के बने एक तो है ज्ञान परंतु उसके साथ साथ बाबा ने संबंध क्योंकि कोई भी आत्मा अकेले नहीं रह सकती है उसको संबंध की जरूरत होती ही होती है। तो बाबा ने कहा कि तुम प्रभु ईश्वर, भगवान ये कहते रहे अरे वो भगवान आपका क्या लगता है वो ईश्वर आपका क्या लगता है क्यों उसको पुकारते हो तुम संबंध को भूले हो और देह के संबंधों में ज्यादा आसक्त रहे तो मेरे साथ जो तुम्हारे सर्व संबंध वो तुम भूल गए इस कारण ये हाल हुआ तो बाबा आकर के हमें संबंधों के रस में बांधते हैं प्रश्न है कौन सा धंधा सर्वशक्तिवान बाप का है मनुष्यों का नहीं पतित आत्माओं को पावन बनाना सारे विश्व को नया बनाना ये धंधा बाप का है बाप ही पावन बनने की शक्ति देते हैं ये धंधा मनुष्य नहीं कर सकते मनुष्य तो समझते हैं भगवान जो चाहे वो कर सकता है hmm. हमारी बीमारी भी ठीक कर सकता है बाबा कहते हैं मैं ऐसी आशीर्वाद नहीं करता मैं तो पावन बनने की युक्ति बताता हूँ ये बाबा ये भी हम बच्चों को समझ देते हैं कि देखिए आप समझते हो कि शिव बाबा सर्वशक्तिमान है वो सब कुछ कर सकता है वर्षा बरसा सकता है वो तूफान ला सकता है वो सब कुछ कर सकता है बीमार को ठीक कर सकता है मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है आदि आदि कहते मैं अपनी शक्तियाँ इसमें नहीं लगाता हूँ मैं, मैं सर्वशक्तिवान क्यों कहलाता हूँ कि मैं तुमको रावण के पंजे से छुड़ाता हूँ ज्ञान के आधार से तुमको रावण के पंजे से छुड़ाने वाला और कोई है नहीं सिवाय मेरे मेरा ये काम है मैं ये तुमको देता हूँ ज्ञान के आधार से तुम्हारी आत्मा का परिवर्तन करता हूँ गीत है जाग सजनिया जाग बेहद का बाप बच्चों को जगाते हैं माता पिता जिससे सुख मिल मिलने का है वो आकर अंधियारी रात से जगाते हैं तुम माता पिता के बच्चे हो जानते हो हम घोर अंधियारे में थे अब जाग रहे हैं यूं तो सारी ईश्वरीय फैमिली है सारी दुनिया के जो मनुष्य मात्र और ये सारी दुनिया है ये है गॉड फादर की फैमिली मात पिता गॉड फादर को कहा जाता है अब गॉड फादर बिगर अपनी स्त्री के बच्चे कैसे पैदा करे ख़ास भारतवासी कहते हैं तुम मात पिता हो तो ये हो गई फैमिली वो तो सिर्फ गाते हैं तुम यहाँ प्रैक्टिकल में हो और गॉड फादर अपनी फैमिली को जगा रहे हैं जागो बच्चे और बच्चियाँ अब रात पूरी होती है ये बाबा ने जो सुनाया गॉड फादर गॉड फादर कई लोग कहते हैं लेकिन वो गॉड फादर है हमारा किस रूप से कैसे वो तो नहीं जानते तो गॉड फादर ने आकर के हम आत्माओं को कैसे अपने संबंध में जोड़ा अगर वो फादर हैं, हम आत्माएं हैं तो हमारे ब्रदर्स भी तो होंगे ना? मैं अकेली तो नहीं हूँ तो बाबा आकर के हमें परिवार का भी ज्ञान देते हैं और परिवार के साथ जोड़ते हैं जो हमारा संबंध वहां भी टूटा हुआ था बाबा ने कहा कि एक तरफ कहते हैं ओ गॉड फादर दूसरे तरफ कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है एक तरफ कहते हो सभी मनुष्य मात्र भाई भाई हैं अथवा हम एक बाप के बच्चे हैं फिर कह देते जिधर देखता हूँ तू ही तू अर्थार्थ वी आर ऑल फादर्स अब बाप कहते हैं बच्चे तुम जानते हो हम आते ही हैं परमधाम से सभी धर्म वाले किसी न किसी भाषा में कहते हैं ओ गॉड फादर <coughs> तो बाबा ने कहा बाप कहते हैं जिसको तुम याद करते हो उसका ऑक्यूपेशन तो जानना चाहिए ना उसने इतनी बड़ी सृष्टि रची बाप में सारा ज्ञान है उनको ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है कहते भी हैं वो सत्य है सच बोलने वाला है और सदैव अमर है अमर कथा सुनाते हैं बाबा ने हम बच्चों को आकर उस बाबा को अमरनाथ भी कहते हैं तो अमरनाथ क्यों कहलाता है क्योंकि वे आकर के हम बच्चों को वह अमर कथा सुनाते हैं जिससे हम आत्मा तो अमर है ही है आत्मा तो अजर भी है अमर भी है अविनाशी भी है फिर अमर कथा कह के हमको अमर बनाते हैं इसका भावार्थ क्या है हमें अमर बनाते इसका भाव अर्थ क्या है आत्मा का ज्ञान देते हैं आत्मा का ज्ञान देते हैं और जो शरीर के साथ हम समझते मृत्यु हो गई उस बात की नॉलेज देकर करके हमको सदा काल के लिए अमर बना देते हैं अब तो मीठे मीठे बच्चे कहते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे कहते हैं महान आत्मा पुण्य आत्मा ऐसे तो नहीं कहते महान परमात्मा फिर अपने को शिवोहम परमात्मा आदि क्यों कहते हैं पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं फिर निर्लेप क्यों कहते हैं तुम ब्राह्मणों ने चौरासी जन्म लिए हैं फिर बाबा आगे बता रहे हैं, भारत पर ही सारा खेल है ये शिव बाबा ही समझाते हैं ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा को तो बैल नंदी बना दिया है फिर भ्रुकुटी में शिव दिखाया है शिव की सवारी भ्रुकुटी में रहती है कोई पितृ आदि खिलाते हैं आत्मा को बुलाते हैं वो भी आकर बाजू में बैठती है आत्मा एक स्टार है कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अब तुम जानते हो ये बेहद का बड़ा खेल है सेकंड सेकंड जो पास होता है वो मनुष्य ड्रामा के आधार पर एक्ट करता है ये बाबा ने बताया प्रवेश का तरीका जैसे आत्मा प्रवेश करती है तो कहाँ आके बैठती है आत्मा रहती है इस शरीर के अंदर तो यहाँ रहती है तो आत्मा जब दूसरी जिसका बाबा ने कहा उसको खिलाते हैं करते हैं तो वो भी आके कहाँ बैठेगी यहीं पे बैठेगी तो इसीलिए कहा जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितार जो हमारी हमारी आत्मा के लिए कहा है जो आत्मा आती है उसके लिए नहीं कहा है हमारी आत्मा ने कहा भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा अब बाबा कहते हैं जाग सजनिया कन्या जब शादी करती है तो उनके सिर पर मटकी रख उसमें दीवा जगाते हैं बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा की ज्योति का घृत अब ख़त्म हो गया है अब अब तुम अब मुझे याद करो तो घृत भरते भरते दीवा जग जाएगा फिर तुम मेरे पास आ जाएंगे वो निराकार बाप ही क्रिएटर डायरेक्टर और मुख्य एक्टर है याद किसको करते हैं क्या ब्रह्मा को विष्णु को नहीं दुख में सब याद करते हैं गॉड फादर को ये दुख सुख हार जीत का खेल है माया हार खिलाती है बाप जीत पहनाते हैं hmm. कहते हैं सर्वशक्तिवान मैं हूं ना ऐसे नहीं कि मैं बीमार हूँ भगवान आशीर्वाद करे तो मैं ठीक हो जाऊँ मैं कोई ये धंधा करने नहीं आया हूँ लेकिन बाबा ठीक भी तो कर देते हैं <laughs> नहीं बाबा कहते हैं कि मैं शक्ति देता हूँ सहन करने की जब हम बाबा को याद करते हैं तो हमारे अंदर शक्ति आती है और उस शक्ति से हम उस बीमारी को सहन भी करते हैं और अपने प्रति हम शुभ भावना भी रखते हैं ये हिसाब किताबें चुकतु हो जाएगा शरीर तो ये मैं अमर अविनाशी आत्मा हूँ ठीक कल ही मैं एक पेशेंट से मिली तो डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसको भय है और भय के कारण इसकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन है अब भाई किस बात का है शायद मैं शरीर छोड़ दू क्या होगा और ऑक्सीजन उसको देनी पड़ रही है।, है ऐसा कुछ भी नहीं थोड़ा सा अपने उसको विल पावर को इमर्ज करे ठीक हो जाएगा उसकी भेंट में मैंने दूसरा पेशेंट देखा जो छोटी आयु थी उससे छोटी आयु उसी दिन उसकी सर्जरी हुई थी लेकिन शी वज स्माइलिंग हैप्पी उसकी रिकवरी की अच्छी जा रही थी डिपेंड करता है बाबा जो शक्ति देता है उसको यूज करनी चाहिए ना बाबा ने कहा कि आत्मा तो सबकी एक जैसी स्टार है ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे भी हैं ड्रामा में इतने पाठधारी हैं हर एक का अपना अपना पाठ है कैसे ये ड्रामा बना हुआ है इसको कहा जाता है कुदरती नाटक बाकी वो नाटक तो कॉमन है चार घंटे का रील होगा इनका रील तो पाँच हज़ार वर्ष का है वो लोग फिर कहेंगे कलयुग की आयु चार लाख बत्तीस हजार वर्ष है कितने गपोड़े हैं मौत सामने खड़ा है तो भी घोर अंधियारे में पड़े हैं बाबा ने कहा बाप कहते हैं अब जागो तुम भगवत भगवान को याद करते आए हो अब बाप कहते हैं भक्ति मार्ग खत्म होता है मैं आया हूं ज्ञान से सोझरा करने इस समय मनुष्यों में देखो क्रोध कितना है लड़ाई ही सीखते रहते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है तब ये सब शुरू होता है सतयुग में तो है ही राम राज्य अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूँ फिर तुम जब गिरते हो तो पावन राजाएँ फिर पतित बन जाते हैं अभी तो वो भी नहीं है बाप कहते हैं बच्चे तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा इस द्वारा सुना रहा है जो सुनकर ये महाराजा महारानी बने थे वही अब पतित बने हैं फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सतयुग है ब्रह्मा का दिन कलयुग है ब्रह्मा की रात प्रजापिता भी जरूर यहाँ होगा शिव बाबा की संतान तो सब है फिर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ रचते हैं नहीं तो इतने बच्चे कैसे अडॉप्ट ब्राह्म शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं बाप कहते हैं मेरे तो तुम ही हो अब तुमको नया जन्म मिलता है ये जो बाबा ने बात बताई है अडॉप्शन की पहले शुरू में बाबा ने अनादि अवनाशी आत्मा का संबंध फिर कैसे ब्रह्मा बाबा के हम बच्चे ये साकार सृष्टि में हम कैसे आते हैं साकार सृष्टि में शिव बाबा आकर के ब्रह्मा रथ के द्वारा हमको अडॉप्ट करता है तो हमको ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाते हैं उनके मुखारविंद में हमारा जन्म होता है तुम्हारा तो ग्रेट 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 ग्रैंड कौन हुआ ह्यूमैनिटी का ब्रह्मा हुआ और हमारे तो डायरेक्ट पिता हुए विकर्मा जीत संवत भी है और फिर विकर्मी संवत है कथाएं तो बहुत हैं मोहजीत राजा की कथा मोहजीत है लक्ष्मी नारायण वो है रामराज अभी है रावण राज तुम सब गॉड फादरली चिल्ड्रन हो डायरेक्ट बाप ने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है इसलिए तुमको सिकी लदे बच्चे कहते हैं hmm. फिर बाबा ने आज वरदान दिया है व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को सेकंड में स्टॉप कर निर्विकल्प स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव यदि कोई भी गलती हो जाती है तो गलती होने के बाद क्यों क्या कैसे ऐसे नहीं वैसे ये सोचने में समय नहीं गवाओ जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो उतना दाग के ऊपर दाग लगाते हो hmm. पेपर का टाइम कम होता है लेकिन व्यर्थ सोचने का संस्कार पेपर के टाइम को बढ़ा देता है इसलिए व्यर्थ संकल्पों के तेज बहाव को परिवर्तन शक्ति द्वारा सेकंड में स्टॉप कर दो तो निर्विकल्प स्थिति बन जाएगी जब ये संस्कार इमर्ज हो तब कहेंगे भाग्यवान आत्मा बाबा ने बहुत अच्छी बात कही सारी बातें अच्छी होती हैं लेकिन जो दिमाग को स्ट्राइक करती है कि आप अपने पेपर का पीरियड बढ़ा देते हैं पेपर होता शॉर्ट टाइम का है लेकिन आप उसके बारे में सोच के सोच के सोच के उसके पीरियड को बढ़ा देते हैं। हमको ध्यान पे रखना है अगर हमने ज्यादा टाइम पेपर में नहीं देना है तो जल्दी से फुल स्टॉप लगा के फिनिश कर देना स्लोगन है खुशी के खजाने से संपन्न बनो तो दूसरे सब खजाने स्वतः आ जाएंगे तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप मैसेज कर सकते हैं एट एट टू सिक्स फाइव डबल नाइन थ्री ज़ीरो नाइन पर और आपके उन प्रश्नों का उत्तर हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे